हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक साहू है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक इन नीट यूजी 2021। नाउ फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट बाई स्ट्रेटजी की बात करते हैं। हम सबसे पहले हम बायो की बात करेंगे। बायोलॉजी थोड़ा सा वास्ट हो जाता है और थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन भी है इसमें काफ़ी ज़्यादा, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। सो मेमोराइज तो आपको करना ही पड़ेगा, बट आप रिवाइज कर करके बार बार आप अपनी मेमोरी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सो वेल, अगर हम बायो की बात करेंगे तो बायो में इस बार तो दो सेक्शन है, एक बॉटनी है, जूलॉजी है। बायोलॉजी को सीखने के लिए एकमात्र जो सोर्स है, मतलब हम बायोलॉजी अगर हम बात करें नीट में, बायोलॉजी कैसे प्रिपेयर करें फॉर नीट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि नीट के लिए हमें क्या कहाँ से क्या पढ़ना है। तो मैं तो कहूँगा कि आपको अपनी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ओनली एनसीईआरटी। एंड अगर आप बोलेंगे कि फिर एक्स्ट्रा का क्या होगा, तो मैं बोलूँगा आपकी जो कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा एक्स्ट्रा, आप बस उतना रखिए, आप बस उतना सीखिए। मतलब कोचिंग में जो आपके टीचर्स ने आपको जितना एक्स्ट्रा बताया है या फिर कुछ अच्छी बातें बताई हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं जो अलग से हैं, जो काम आ सकते हैं, तो आप उनको सीख लीजिए। आप खुद से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक ये ओशन की तरह है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे वो, मतलब आप जितना नीचे जाएंगे वो और आप और नीचे गहरा है एक टाइप से। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आप खुद से कलेक्ट ज़्यादा मत करिए। सो आप अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस करें, एंड आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं, जो आपके टीचर्स आपको जो बताते हैं, आप उनको देख लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। बस आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपनी एनसीईआरटी को और कितना अच्छा बना सकते हैं। एनसीईआरटी को बेटर करना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये तो सभी को पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी तो है, लेकिन इसको पढ़ने का भी एक तरीका है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है ना। सो वेल, अगर हम बात करें जैसे एनसीईआरटीज है, सो हम बायो की स्पेशली बात करेंगे अभी फ़िलहाल। सो बायो की एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि थ्योरी पोर्शन है, बहुत से टेबल्स दिए हुए हैं, कई सारे फिगर्स हैं, लास्ट में क्वेश्चन है, समरी है। हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट है, और बायोलॉजी के लगभग हर चैप्टर में साइंटिस्ट हैं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो बायोलॉजी का कंटेंट काफ़ी वास्ट हो जाता है, काफ़ी विशाल। और अभी फ़िलहाल अगर हम चलें कि आपको सब कुछ मेमोराइज़ करना होगा, यस यू हैव टू मेमोराइज़ एवरीथिंग फॉर नीट के लिए, क्योंकि नीट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, वो ऐसी ऐसी जगहों से भी आ सकता है जहाँ से आप सोच नहीं सकते। जैसे आप इस बार तो समरीज वगैरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो समरी ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे सोचते हैं नहीं यार छोड़ देते हैं, इसको क्या करना, जो चैप्टर पढ़ा है उसी की तो समरी है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे तो कौन सा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँगा आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक आपको उसे पूरा देखना है। सो अगर हम बायो की बात करें, सो मेरा एक तरीका था, मैं क्या करता था, जो पढ़ता था, जो टॉपिक पढ़ता था, एक तो बायो की एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ टाइम्स आप रीड करते हैं उतना ज़्यादा आपको उससे प्रॉफिट होता है। तो बायो तो वैसे भी पता नहीं इतनी बार पढ़ लेते हैं, इतनी बार रीडिंग हो जाती है कि काउंटलेस हो जाता है, कि हमें खुद याद नहीं रहता कि मैंने कितनी बार बायो की एनसीईआरटी पढ़ी है, वो लाइन कितनी बार पढ़ी है, तब जाके वो लाइन याद रहती कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है। सो वेल, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बायो का कोई भी टॉपिक पढ़ते समय, जैसे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सो आप क्वेश्चन फ्रेमिंग की आदत डालें। मैं ये करता था एग्जैक्टली, मैंने इतने क्वेश्चन फ्रेम किए कि मैं कोई चीज़ मुझे याद नहीं होगी ना तो मैं उस पर खुद क्वेश्चन बनाऊँगा, तो मुझे वो क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, कि मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था इसलिए इसका आंसर ऐसा है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग से आपकी माइंड की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से वो रहता है कि हाँ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो माइंड में क्यूरियोसिटी होती है कि उस क्वेश्चन का हमें आंसर भी पता हो। सो देयरफॉर क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बायो की हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, यस दैट इज़ पॉसिबल, ऐसा किया गया भी है, ऐसा मैं करता था स्पेशली, कि बायो की हर लाइन से मैं क्वेश्चन फ्रेम करता था, मतलब मैं जितना बना सकता था, और मैं मुझे रिवाइज़ भी करना रहता था ना, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता था और मैं कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाता था कि यार मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तब जाके मैं थ्योरी पढ़ लेता था कि हाँ थ्योरी में देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या है। आप डिटेल्ड क्वेश्चन बनाइए, डिटेल्स हर पिन पॉइंट का ध्यान रखें। बायोलॉजी में तो हर कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ध्यान रखना होता है, मतलब थिक थिन हर चीज़ का, हर छोटी चीज़ का, लाइन कोई भी लाइन है उसकी हर छोटे एलिमेंट का आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ और, बायोलॉजी में बहुत अलग सा कंटेंट भी है। अगर हम थ्योरी की बात हटा दें,
सो बायोलॉजी में बहुत टेबल्स हैं, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर देखा होगा, उसमें कई सारे टेबल्स हैं, उससे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं दिस टाइम, इस साल भी आया हुआ है, उसमें कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल हैं, सेल है उसके कंटेंट के ऊपर है, ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स के ऊपर डेटा दिया हुआ है, सो ये सब आपको पता होना चाहिए, एक्यूरेटली पता होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब आपको पता होना चाहिए। यस, ऐसे ही कई सारी टेबल्स और डायग्राम्स आपको इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और इस टाइप की चीज़ों को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, है ना। एंड अगर हम बात करें बायोलॉजी में, हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, जो आपका डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड यूनिट है, उसके पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में काफ़ी बताया गया है कि वो डार्विन ऑफ द 20th century है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला हुआ है ना। सो इस तरीके से आपको उनके फीचर्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उनका सब कुछ याद हो कि वो कहाँ पैदा हुए, क्या बर्थ था, कब डेथ हुई, ऐसा नहीं, ये नहीं, इतना नहीं, आप बस उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ उन्होंने क्या किया बायोलॉजी की फील्ड में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेल, आपको ध्यान रखना है कि आप यूनिट साइंटिस्ट का ध्यान रखें हर यूनिट के पहले, बायोलॉजी में हर डायग्राम का ध्यान रखें। एक दो सालों से बायोलॉजी के डायग्राम से क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है, यानी कि बायोलॉजी का डायग्राम डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि उस डायग्राम से अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है तो वो इन्फॉर्मेशन को क्वेश्चन फॉर्म में वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मतलब वो डायग्राम डायरेक्ट ना पूछें कि इस डायग्राम में लेबलिंग बता दीजिए, बट फिर भी आपको इन फ्यूचर के लिए तैयार रखना है कि आपको सारे डायग्राम्स की सारी लेबलिंग, उनसे मिलने वाली हर नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा, कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जो ज़्यादा लर्न करने वाले हो जाते हैं, जैसे कि हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, सो उसमें हर एलिमेंट के बारे में आपको याद होना चाहिए। यस, उसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा मेमोरी मांगती हैं, मतलब उसमें आपको हर लाइन ही याद रखनी है, उसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। मैं क्या करता था अपने स्टडी रूम में, मैं जहाँ पढ़ता था, क्योंकि मैं एक साल घर पर ही पढ़ा 12th class, सो मैं वहाँ पर चार्ट बना के चिपका देता था, मतलब वॉल्स पे, तो मैं आते जाते उस रूम में देखता रहता था कि हाँ ये लिखा हुआ है। ऐसा ऐसे चैप्टर हैं, अब बायोलॉजी में अगर मैं बताऊँ, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन है 12th class में, इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में बहुत डेटा दिया हुआ है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको डेटा याद रखना ही पड़ेगा, मतलब आपके पास ऑप्शंस तो नहीं है बेसिकली। एंड देन आफ्टर यहाँ पे स्ट्रेटजी इन फूड एनहांसमेंट में काफ़ी ज़्यादा डेटा है, मतलब वैराइटीज़ को लेके फूड पेस्ट रेसिस्टेंस है, तो इस सारी चीज़ें मैंने अपनी वॉल पे पेस्ट की हुई थी, मतलब वो टेबल की टेबल मैंने पेस्ट की हुई थी जानबूझ के, ताकि मुझे हर वैरायटी का नाम याद रहे, वो किसके प्रति रेसिस्टेंस है, ये सब याद रहे। एंड इससे क्या होगा ना, आपका एफर्ट बच जाएगा, मतलब आप बार बार बुक खोल के याद करेंगे, इससे अच्छा ये आप किसी वॉल पे पेस्ट कर लें उस चार्ट को, तो आप बार बार देखेंगे तो आपको थोड़ा कम वर्क लगेगा और कम एफर्ट के साथ आप उसे मेमोराइज भी कर लेंगे, है ना। सो बायोलॉजी में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ़ रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। यस, नंबर ऑफ रीडिंग बायो में बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली बायो में, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ते हैं, कभी ऐसा भी होता होगा, आपने फील भी किया होगा कि बायोलॉजी की एक लाइन पढ़ी, पहले कुछ और सेंस निकल रहा है, बाद में पता चला इसका कुछ और ही सेंस है। सो ऐसा बायोलॉजी में हो जाता है, हम जितनी बार पढ़ते हैं हम उतने अच्छे होते चले जाते हैं। सो बायोलॉजी की रीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और मैं इसलिए स्ट्रेस करूँगा कि आप उसे जितनी बार करें, हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंस हो गए हो कि नहीं अब मुझे पूरा आता है, फिर भी आप एक बार रीड फिर से करें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया तो सीखने के मिल ही जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की बात करें, सो बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग एक इंपॉर्टेंट है, बट उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं नहीं मानूंगा, बट इम्पॉर्टेंट है। सो आप हर चैप्टर के क्वेश्चन ट्राई करें कि किस टाइप के इससे फ्रेम होते हैं, बट बेटर यही होगा कि आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करें। मैं तो बोलूँगा कि आप खुद से बहुत अच्छा फ्रेम कर सकते हैं, आप जब खुद से बुक से भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने लगेंगे, तब आप समझ लीजिए कि नाउ यू आर गोइंग, कि आपको बायोलॉजी याद हो जाएगी, अब आप बायोलॉजी को मास्टर कर ही लेंगे डेफिनेटली नीट के लिए स्पेशली। सो वेल, क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर भी आप रखिए, उससे आपको आइडिया लगता है कि किस किस टाइप की और वैरायटी पूछी जा सकती है, या फिर कैसे टैकल करना है कि जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना। सो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के ऊपर हम बाद में ही बात करते हैं कि आखिर इसको अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी हम बाद ही में बात करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजी। मेरी सक्सेस में मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है,
और ऐसे ही टीचर्स आप तक भी पहुंच सकते हैं और आप भी मेरे ही जितना सक्सेसफुल हो सकते हैं ऑन इस2ऑन। इस2ऑन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वही टीचर्स पढ़ाते हैं जिनसे मैंने पढ़ाई की है, एंड आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अगली बारी आपकी है। ऑन इस2ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस2ऑन पर बने रहिए।